प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये शब्द रूहानी लगते हैं। एक सुरूर है जो जब किसी को चढ़ जाता है तो फिजाओं में मोहब्बत की खुशबू घुल जाती है। प्यार का दुश्मन सारा जमाना होता है, सुना था, लेकिन भारत में आज भी इज्जत जान से ज्यादा ही मानी जाती है और प्रेम विवाह आज भी स्वीकार नहीं किया जाता, सहजता से तो बिल्कुल नहीं। हजारों पापड़ बेल कर कुछ अपनी मोहब्बत को मुकम्मल बना लेते हैं, लेकिन कुछ कहानियां यूं ही अधूरी खत्म होकर जिंदगी भर सिसकती रहती हैं। लेकिन परिवार आज भी प्रेम विवाह को हरी झंडी नहीं देता। बारा जिले के एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है राजस्थान से, जिसने मोहब्बत करने वालों से नफरत की हदें पार कर डाली। यहाँ एक लड़की को लव मैरिज करना इतना महंगा पड़ गया कि उसे अपनी मोहब्बत में जान गंवानी पड़ गई। बारा जिले के जावर थाना इलाके की रहने वाली 20 साल की शिमला कुशवाहा को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि जिन माता पिता ने उसे अपनी गोद में खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया है, लाड़ दुलार लुटाया, वही लोग एक दिन उसकी जान ले डालेंगे। और उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने मोहब्बत कर ली और उस मोहब्बत को मुकम्मल करने की ठान ली। शिमला कुशवाहा को रवि नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। रवि भील समाज से था और शिमला कुशवाहा कुशवाहा समाज से, लिहाजा लड़की के घर वालों को यह शादी कतई मंजूर न थी। मजबूरन जब घर वाले नहीं माने तो शिमला ने अपने प्रेमी रवि के साथ लव मैरिज कर ली। रवि और शिमला शादी के बाद छिप कर रहने लगे। पिछले कई महीनों से वह हरनावदा शाहजी थाना इलाके में एक किराए के मकान में रहने लगे थे। तभी लड़की के घर वालों को इस बात की भनक लग जाती है और लड़की के परिजन वहां आ धमकते हैं। लड़की को बाइक से अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये अपहरण बैंक से किया गया था और ले जाकर उसकी जान ले डाली। क्या कहता है उसका पति, सुनिए एक बार। 17 जुलाई 2023 में, फिर उसके बाद मैंने उसको पढ़ाई के लिए उसके घर पे रख दिया, ये बात किसी को पता नहीं थी। और फिर 11/6/2023 को मैं उसको यहाँ से ले गया। फिर उसके बाद 8 दिन में बहुत बार खाना मेरी रोटी भी तब हम फेस होने के लिए आ गए। फिर 21 तारीख को हम फेस हुए और 21 तारीख को हमारा बयान करा के हम बहुत बार खाना से हमें फेरी कर दी और हमें फेरी करके हमारी लड़की मेरे साथ फिर थी। उसके बाद में फिर जब मैं यहाँ पर आया आज, उसके घर वाले आ गए और उसको जबरदस्ती लेकर उसको मार दिया। सुना आपने, अगर पुलिस वक्त पर कार्यवाही करती तो शायद उसकी पत्नी शिमला आज जिंदा होती, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से कार्यवाही में देर हुई और जब पुलिस लड़की के घर वालों तक पहुंची तब तक वह लड़की को मारकर उसके शव को आग के हवाले कर चुके थे। पुलिस के हाथ आई तो बस लड़की की अस्थियां। अब कार्यवाही की बात कहकर पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि शिकायत मिलने पर फौरन एक्शन लिया गया था। जब हम कार्रवाई कर रहे थे, मीनवाइल हमारे पास बाद में खबर आई कि ये लड़की को जो उसके घर वाले लेके गए हैं, वो उसके गांव में ले जाके उसका मतलब हत्या करके और उसको जला दिया। इस सूचना पे हम यहाँ पहुँचे मौके पे। घटना, ये मौका है जो सोरती गांव का है, जो हरनावदा उसमें जावर थाने में पड़ता है और लड़की को किडनेप है, वो हरनावदा साजी थाने इलाके से किया हुआ। सर किडनेप कैसे किया, कैसे लेकर आए हरनावदा साजी के लोग? अभी शुरुआती तौर पर जो CCTV फुटेज है उनमें ये देखने में आ रहा है कि लड़की को बाइक पर बैठा के लिखाई, चार जनों की इसमें सम्मिलित होने की सूचना सामने आ रही है। शिमला तो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका पति रवि उसकी याद में बेसुध जहां तहां बैठा रहता है। शिमला के घर वाले शायद इस बात से संतुष्ट होंगे कि उनकी बेटी ने जो किया उसकी सजा उसे मिल गई, लेकिन हकीकत तो यह है कि झूठी आन बान और दिखावे वाली शान की इस लड़ाई में किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, नुकसान यहां सबका हुआ। शिमला अब कभी लौट कर नहीं आएगी। काश अगर आ पाती तो अपने घर वालों से ये सवाल जरूर पूछती कि पापा, जिस बेटी को इतने लाड़ प्यार से आपने पाला था, उसे अपने हाथों से ही मौत की नींद कैसे सुला दिया? क्यों अपनी ही लाडली को जान से मारते आपके हाथ नहीं कांपे? क्या इज्जत के आगे कलेजा निष्ठुर हो जाता है? ये कैसी अनहोनी अपनी ही बेटी के साथ आपने कर डाली? तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी YouTube और Instagram पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान SK क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा Instagram और YouTube का बादशाह।
आप YouTube के चैनल पर जीरो से लाखों सब्सक्राइबर और Instagram पर भी जीरो से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA BEd, BSc BEd, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।